सो वेलकम टू लेक्चर 8। एज प्रोमिस्ड हम लोग इसमें SCV के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो फालतू के हैं, जो हम ऑलरेडी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वी विल स्किप देम। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास का पोजिशन कोऑर्डिनेट है और दूसरा एक्सीलरेशन लिखा हुआ है। इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम फिर पूछ रहा है कि कौन से इसमें सही हैं। तो नॉन इनर्शियल इनर्शियल की बातें आती हैं, किसको अफेक्ट करती हैं, एक्सीलरेशन को। दे डू नॉट अफेक्ट द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स अफेक्ट द एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ए पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर बी पे असर पड़ेगा। इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा सही होगा? तो ऑब्वियसली ए करेक्ट होगा बट बी रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। फिर कह रहा है ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइ, अच्छा मतलब दो स्टेटमेंट्स आपको दे दिया और पूछ रहा है कौन सा क्या इम्प्लाई करेगा। तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं, ए इम्प्लाइज बी चेक करते हैं पहले। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब m1v1 प्लस m2v2 डैश 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 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है और कह रहा है कि सेंटर ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। रेस्ट का वर्ड यूज किया है इसने, मतलब कि VCM की वैल्यू 0 है। क्या इससे ये इम्प्लाई होगा? बिल्कुल नहीं। ये VCM इससे आ जाएगा, A इम्प्लाई करेगा कि VCM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। ये कैसे इम्प्लाई कर रहा है? क्योंकि VCM आपका होता है m1v1 प्लस m2v2 डैश 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 अपॉन समेशन m। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, इम्प्लाइज b। अब b इम्प्लाइज a चेक करते हैं। b इम्प्लाइज a, b कह रहा है कि सेंटर ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, VCM की वैल्यू 0 दे दी, तो क्या लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट? इसका मतलब हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 डैश 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 इज इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो कांस्टेंट तो है ही ना, 0 इज आल्सो कांस्टेंट। मतलब बी इम्प्लाई कर रहा है ए को, बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी। ठीक, तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान से देना है कि लिखा क्या है, एंड दैट यू हैव टू राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। सिस्टम ऑफ पार्टिकल यूज किया है और लीनियर मोमेंटम 0 कह रहा है, मतलब कि m1v1 प्लस m2v2 ये 0 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। स्टेटमेंट ए ये है, स्टेटमेंट बी कह रहा है कि हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर ये 0 है। अच्छा, B का 0 होने का मतलब हो जाएगा, B का इम्प्लाई करने का मतलब हो गया कि V1 भी 0 है, V2 भी 0 है, डैश 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 VN भी 0 है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है। तो जब B करेक्ट होगा आपका, ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो मोमेंटम तो 0 होगा ही होगा। B इम्प्लाइज है तो आपका ट्रू हो जाएगा। A इम्प्लाइज B का चेक करते हैं कि जब लीनियर मोमेंटम आपका 0 है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी 0 है? मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस आके v1 v2 प्लस माइनस करके आपका बैलेंस कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, पर उनका स्क्वायर ये स्केलर है, दिस इज स्केलर एंड दिस इज वेक्टर। तो a इम्प्लाइज b आपका नॉट ट्रू। ठीक है, फिर से d आंसर हो जाएगा। चौथे स्टेटमेंट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रॉन्ग।
डिपेंड करेगा राइट फ्रेम पे, क्योंकि वेलोसिटी आ रहा है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. बोथ इन्वॉल्व वेलोसिटी. Which depends on frame of reference. Both A and B are false. ठीक है. All particles of a body are situated at a distance r from origin. Origin से सारे particles r की distance पे हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा क्लीनली बना लेते हैं. अब इस केस में देखिए, या तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन की सारे पार्टिकल आर डिस्टेंस पे हैं, तो अगर तो सर्कल होगा तब तो सेंटर आर पे ही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास. पर सपोज करिए ऐसा है, सेमी सर्कल है, रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आता था, हम लोग पढ़े थे राइट. तो या तो आर के और या तो सारे के सारे पार्टिकल एक पॉइंट मास बन के आर की डिस्टेंस पे रखे हों, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यही हो जाएगा. तो इन एनी केस या तो सेंटर ऑफ मास आर से कम दूरी पे होगा, जैसा कि इस केस में, जैसा कि यहाँ ओरिजिन पे आ रहा है, या तो आर पे होगा. तो इसका आंसर लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा. ठीक. पॉइंट मास, ठीक है. रिंग के केस में सेंटर पे है, सेमी रिंग के केस में आर की आर से कम डिस्टेंस पे होगा. पॉइंट मास आर की डिस्टेंस पे है तो उसका सेंटर वहीं पे हो जाएगा आर की डिस्टेंस में. तो या तो आर होगा या तो आर से कम होगा, पर आर से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा. ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेमी सर्कुलर रिंग के केस में ये करेक्ट नहीं है. अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर डी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एच डी. ये भी डायमेंशंस दिए हैं. द डेंसिटी ऑफ मटीरियल एंड थिकनेस आर सेम. ओके. अगर इनकी थिकनेस सेम है तो दोनों की डेंसिटी भी सेम दी हुई है, मतलब इसकी भी रो है, इसकी भी रो है. एरिया निकाल लीजिए ए वन, लेट थिकनेस आपकी टी मान लीजिए. एम वन की वैल्यू हो जाएगी ए वन रो ए वन टी, और एम टू की वैल्यू हो जाएगी रो ए टू टी. ए वन की वैल्यू क्या होगी, पाई डी स्क्वायर बाई फोर. ए टू की वैल्यू क्या होगी, डी बाई टू का होल स्क्वायर. ठीक है. तो एम वन एम टू आ गया, किसी एक को ओरिजिन मान लीजिए सेंटर को, तो यू कैन कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास. ठीक है. तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आप खुद कर लीजिए. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स. वन ऑफ द आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इसको अंडरलाइन करिए प्लीज. टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मतलब एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम. वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट. ठीक है. V1 की वैल्यू जीरो एंड द अदर हैज़ एन एक्सीलरेशन. अच्छा, मतलब A1 की वैल्यू रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन भी जीरो है. अदर हैज़ एन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू A. द सेंटर ऑफ मास हैज़ एन एक्सीलरेशन A बाई टू एम होगा राइट. सॉरी A बाई टू होगा. कैसे आएगा, M इंटू A अपॉन M प्लस M, तो A बाई टू हो जाएगा. अर्थ पे आते हैं. इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज. क्या चेंज कर सकते हैं इंटरनल फोर्सेस, लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी. आपको याद होगा वो वाला केस हमने देखा था चार्जेस वाला, किसी सिस्टम में ऐसे एक प्लस यहाँ रख दो एक माइनस यहाँ रख दो, तो ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व होता है. बट काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है. ठीक है. ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा. सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज. तो क्या चेंज कर सकता है इंटरनल फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम. ठीक है.
क्योंकि एफ एक्सटर्नल आपका जीरो होता है, ठीक है। देयरफोर लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज बट इंटरनल फोर्सेज आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, बट V1, V2 कैन चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ A1, A2। हम लोग देखे थे ये लेक्चर में भी, ठीक है। A1, A2 की वजह से V1, V2 चेंज होंगे, बट M1, V1 प्लस M2, V2 आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि F एक्सटर्नल आपका जीरो है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ बुलेट हिट्स अ ब्लॉक एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, मतलब इसी में फंस जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक कह रहा है, सिस्टम नहीं कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, अगेन ये गलत हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि MGH नहीं चेंज होगा। टेम्परेचर भी चेंज होगा, मैंने बताया कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन, देयरफॉर टेम्परेचर विल चेंज एज सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डेसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, हीट और साउंड, ठीक है। तो सी करेक्ट होगा, डी करेक्ट नहीं होगा। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ है ये। एंड अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट एट अ डिस्टेंस एच फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इस पे एफ लगा दिया मैंने, ये डिस्टेंस एच हो जाएगी। कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर कितना होगा, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन तो आई गेस एफ बाई एम होना चाहिए। इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू जीरो, इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू आर, इज मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज एफ बाई एम, तो ये एच पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन है कि नहीं है। इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू जीरो, इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू आर, व्हेन एच इक्वल टू टू आर, हाँ राइट, दिस इज द ऑप्शन, राइट, डी आंसर दिया हुआ कि इंडिपेंडेंट होगा, करेक्ट। फोर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास, तो सिंपली एफ बाई एम हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता कहाँ लग रहा है, ठीक है। अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस। ये है, दो पार्ट में टूट गया, अनइक्वल मासेस, पहले m था, फिर m1 और m2। द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्ट्स टेकन टुगेदर शिफ्ट्स हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स। किधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉल केप्ट इन अ क्लोज्ड बॉक्स मूव्स इन द बॉक्स मेकिंग कोलिजन्स विद द वॉल। कुछ इस टाइप की बॉल है ये, जिग जैग मूव करे जा रही है, कभी इधर आती है, कभी इधर, कभी इधर,
ठीक है, बॉक्स इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, अगेन ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया हुआ है इस टाइप का। एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे कितना हो जाएगा, जीरो। सिस्टम क्या है, बॉल प्लस बॉक्स, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल प्लस बॉक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, वी सी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इन टू इक्वल मासेस, द पार्ट्स विल मूव इन सेम डायरेक्शन अलोंग डिफरेंट लाइन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अ बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट पे अ बॉडी ब्रेक कर जाती है टू इक्वल मासेस, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा, रेस्ट पे थी तो पी आई आपका जीरो होगा, पी फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो सपोज करिए एम का मास था इस, ये एक एम बाई टू में चला गया, दूसरा भी एम बाई टू में चला गया, ठीक है। द पार्ट्स विल मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो मोमेंटम तो नॉन जीरो हो जाएगा, हमें मोमेंटम चाहिए जीरो। इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स, ठीक है, अगर इक्वल मासेस हैं तो सी करेक्ट आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। A heavy ring of mass m is clamped on the periphery of a light circular disc, ठीक है, ये डिस्क हो गया, उसके periphery पर रिंग अटैच कर दिया है। ठीक है, ये रिंग हो गई। फिर कह रहा है स्मॉल पार्टिकल हैविंग इक्वल मास, इसका मास एम मान लीजिए, इज क्लैम्प्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। द सिस्टम इज रोटेटेड इन सच अ वे दैट द सेंटर मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी। सेंटर जो है इसका वो यहां पर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर, क्योंकि रिंग का सेंटर, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा और मास का सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे पॉइंट मास है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। तो कह रहा है कि सिस्टम इज रोटेटेड इन सच वे दैट सेंटर मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म स्पीड वी, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास भी रोटेट कर रहा है, इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर स्पीड वी, ठीक है। अब कोई चीज अगर सर्कल में चल रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है इनफैक्ट। एम टोटल वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, m टोटल यहां पे क्या होगा, 2m v स्क्वायर बाई आर। तो वी कंक्लूड दैट एन एक्सटर्नल फोर्स m v स्क्वायर बाई आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पार्टिकल, ये रॉन्ग है, 2m v स्क्वायर बाई आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पार्टिकल, अगेन ये भी रॉन्ग है, 2m v स्क्वायर बाई आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम यूज हुआ है यहाँ पे, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका क्वेश्चन में दिया है कि सेंटर आपका रोटेट कर रहा है एक सर्कल के रेडियस आर में स्पीड वी से, तो सेंटर रोटेट का करने का मतलब है सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास भी आपका एक सर्कल में जा रहा है जिसका स्पीड वी है एंड रेडियस आर है। अब सेंटर ऑफ मास का टोटल मास आपका 2m है, तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स 2m v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, तो इतनी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। द क्वांटिटीज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इन अ कोलिजन आर, कौन सा कोलिजन है ये नहीं दिया है, तो आप इलास्टिक नहीं मान सकते, इलास्टिक नहीं मानेंगे तो मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं कह सकते, मोमेंटम बट नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर टेम्परेचर, ठीक है,
इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर आर नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, a nucleus moving with a velocity v emits an alpha particle, let the velocities of alpha particle in the remaining nucleus be v1 and v2। अच्छा ठीक है, and their masses be m1 and m2। पहला मास m मान लेते हैं, mv is equal to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, v v1 and v2 must be parallel to each other। ये तो गलत बात है, None of the two events should be parallel to each other। ये भी गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। V1 plus V2 ये भी गलत है। MV1 plus MV2 must be parallel to V2। ये देखो आप, M1 V1 plus M2 V2 is equal to M times V। अब ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन और v, इधर वेक्टर की क्वांटिटी क्या है? v। इसका मतलब m1 v1 plus m2 v2 एंड वेक्टर v आर कोलिनियर। ठीक है, या पैरेलल कह लीजिए। वेक्टर में कोलिनियर और पैरेलल का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। यहां पर वेक्टर वाली थ्योरी यूज हो रही है कि कोई वेक्टर अगर किसी वेक्टर का स्केलर टाइम्स है, इसका मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन with a velocity v at angle theta, v velocity theta angle पे गया, at the highest point in its path, ये projectile motion कर रहा होगा, पर highest point पे जाके it explodes in two pieces of equal masses। ठीक है, पहले m था, अब m by 2 में explode हो गया, one of the retraces path to the cannon। अच्छा, एक particle वापस वहीं आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगला वाला कहीं दूर जाके गिरेगा। सेंटर ऑफ मास आपका पता है, आर की डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ये हो जाएगा आर। ये मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया है, अगर आपको ध्यान हो लेक्चर में। ठीक है, द स्पीड ऑफ द अदर पार्टिकल इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन। ठीक है, पहला वाला इधर आ गया, उसकी वेलोसिटी कुछ, अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एंड दैट इज v cos थीटा। ठीक है, तो मोमेंटम आपको कंजर्व कर देना है। ठीक, अब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर आप v1x मान लें, दोनों पे क्या नाम है, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी एक्सप्लोजन के टाइम, तो इसको आप वेक्टर हटा के, अगर इसका आप इधर v1 मान रहे हैं और इसको इधर v2 मान रहे हैं, तो यू कैन रिमूव दी वेक्टर साइंस और ये हो जाएगा m/2 v2 - m/2 v1। ठीक है, तो v cos थीटा आपका आ जाएगा v2 - v1। अब आपको v2 v1 में रिलेशन इस तरह निकालना है कि एक पार्टिकल आपका रिट्रेस कर दे रहा है ओरिजिनल पाथ पे, दूसरे का आप रेंज निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी में रिलेशन प्लीज फाइंड करिए। ठीक है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। जितने टाइम में ये यहाँ पहुँच रहा है, उतने टाइम में ये यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, दोनों को आप इसको आर के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, तो जो रेंज का रेशियो आएगा वही वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरी इक्वेशन होगी, तो v1 v2 आप यहां से निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए और इसका आंसर निकालिए। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व और कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है। एक इक्वेशन मैंने लिख दी है मोमेंटम कंजर्वेशन की, दूसरी कैसे निकलेगी? दूसरी ऐसे निकलेगी कि जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है, मतलब r बाई टू की डिस्टेंस कवर कर रहा है, दिस इज r बाई टू, उतने ही टाइम में ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी r बाई टू होगी और x दूरी और जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास को कॉन्स्टेंट करके x निकाल लीजिए एंड देन यू सॉल्व कि r बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल, और इतने टाइम में r बाई टू जा रहा है, ठीक है, तो इसका रिलेशन बनेगा v2 टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू आर बाई टू प्लस एक्स अपॉन आर बाई टू। ठीक है, जितने टाइम में ये r बाई टू प्लस एक्स चल रहा है उतने टाइम में ये r बाई टू चल रहा है। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, यूजिंग x, ठीक है, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी एंड यू कैन सॉल्व वी वन एंड वी टू। ठीक, लाइए मैं वो भी लिख देता हूँ आपका। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिरेगा? R पे गिरेगा, तो R को ओरिजिन मान लो, तो जीरो इज इक्वल टू एम बाई टू टाइम्स एक्स माइनस एम बाई टू टाइम्स R। ठीक है, अगर इसको मैंने ओरिजिन मान लिया तो ये R पीछे जा रहा है m बाई टू का मास और ये वाला m बाई टू का मास x आगे जा रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू r हो जाएगी तो v2 टू बाई वी हो जाएगा 3r आर बाई टू अपॉन आर बाई टू, थ्री हो जाएगा v2 टू बाई वी। ठीक है, आपको शायद क्वेश्चन में v2 ही निकालना है, तो देखो कितना आता है v2 टू, यहाँ थ्री वी डाल दो तो v1 की वैल्यू टू वी कॉस थीटा हो जाएगी, तो v2 हो जाएगा 3V1, v2 is equal to 3V1. If we put 3V1 here, so 3V1 minus V1 is equal to 2V1. So V1 की वैल्यू हो जाएगी V cos theta upon 2. So 3V cos theta upon 2 आ जाएगी, C आंसर आ जाना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन आप प्लीज चेक कर लीजिए, कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना और फिर ये आंसर टिक कर लेना जो भी आएगा। ठीक है, तरीका यही है, मैंने बता दिया आपको सॉल्व करने का। इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन, रॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, या काइनेटिक एनर्जी को बोल देते हैं कंजर्व रहती है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, एक हल्का सा डिफॉर्मेशन होता है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी आपकी वो डिफॉर्मेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए उसमें चेंज होती है और वो फिर वो बॉल रिकवर कर जाते हैं। सपोज करिए कि मेरा एक हैंड और पेन है, जब इनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो थोड़ा सा ये इनिशियली डिफॉर्म होंगे, उसके बाद ये वापस अपनी डिफॉर्मेशन रिकवर कर लेते हैं और जो डिफॉर्मेशन एनर्जी थी या पोटेंशियल डिफॉर्मेशन एनर्जी थी दैट अगेन चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, के ई इज नॉट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के दरमियान काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है और इलास्टिक कोलिजन में वो वापस रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो आप जानते हैं गलत है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। क्या आंसर है इसका? बी। ठीक है,
जब ये मैं पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था कि ये बॉल है तो जब ड्यूरिंग कोलिजन है ये स्लाइट डिफॉर्मेशन हैपेंस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, आफ्टर दैट ये बॉल्स वापस रिकवर हो जाएंगी। ठीक है, डिफॉर्मेशन रिकवर्स एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिस्टोर्ड। ठीक है, जो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी थी वापस चेंज हो जाती है, डिफॉर्मेशनल अगेन चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन का है। तो स्लाइट डिफॉर्मेशन होता है, वो बाद में रिकवर हो जाता है। डिफॉर्मेशन फुली रिकवर्ड। ठीक, तो बस इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है, इसलिए कांस्टेंट कहना गलत होगा, इनिशियल और फाइनल कोलिजन के पहले और बाद में सेम रहेगी। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टू पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ठीक है, एक्स सी एम आपका जीरो है, वाई सी एम भी जीरो है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द लेफ्ट। एकदम गलत बात है। द टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट, अगेन ये गलत है, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन वाई एक्सिस। अगेन ये कोई लॉजिक नहीं इनका। इफ देर इज अ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस देर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये भी गलत लग रहा है मुझे, ऐसा केस भी तो हो सकता है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो, नेगेटिव वाई एक्सिस के लेफ्ट में हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा नन। अगर इसमें ये स्टेटमेंट होता कि इफ देर इज अ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ इधर चाहिए लेफ्ट में, यू डोंट नेसेसरली नीड द पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अ बॉडी हैज इट सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन, चलो ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स ओरिजिन पे कब होगा, जब सारे के सारे या तो ओरिजिन पे हों या तो कुल मिला के ओरिजिन पे आ जाए इनका। मस्ट बी ऑल पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हो सकता। मस्ट बी ऑल नेगेटिव, ये भी नहीं करेक्ट हो सकता। मे बी ऑल नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है जब ऑल इक्वल टू जीरो हो जाए, सबका ओरिजिन पे ही होगा। मे बी पॉजिटिव फॉर सम केसेस एंड नेगेटिव इन अदर केसेस, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब है ट्रू फॉर द केस वेयर ऑल पार्टिकल्स आर एट ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब हो गया नॉन नेगेटिव होना। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड इज सर्टेनली नॉट एट इट सेंटर, कब सेंटर पे नहीं होगा।
द डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो सेंटर पे नहीं हो सकता। द डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी करेक्ट होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स नॉन सिमेट्रिकल, सेंटर पे तब होगा जब सिमेट्री आएगी। द डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन इंक्रीजेस, मतलब रॉड आपकी ऐसी है, यहां से यहां तक डेंसिटी आपकी डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है। द डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन इंक्रीजेस, तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया, राइट, सिमेट्रिकल हो गया, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब इस केस में ये ऐसे इंक्रीज होगा और फिर लेफ्ट डिक्रीज हो जाएगा, डी वाला, सी वाला, तो ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो इसमें भी सेंटर पे ही आएगा। तो सेंटर पे कब नहीं होगा, जब सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, सेंटर के अबाउट। इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम हैव जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स का जीरो रिजल्टेंट है, द सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं करेगा, ठीक है, मस्ट नॉट मूव, गलत है, मूव कर सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, तो सी करेक्ट होगा। अ नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर फाउंड टू बी वी नॉट एंड ए नॉट एट एनी इंस्टेंट टी। नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स है, अंडरलाइन कर लीजिए, एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, का मतलब तो सबसे पहले यही बात हो जाती है कि ए सी एम आपका नॉन जीरो हो गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ए नॉट दिया है, इंप्लाई करता है ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब इज इट पॉसिबल दैट, क्या वी नॉट की वैल्यू नॉन जीरो हो, ए नॉट की, ये पॉसिबल है, क्या बी पॉसिबल है कि वी नॉट की वैल्यू जीरो हो, बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज करो इनिशियली माइनस फाइव वेलोसिटी थी, फिर आगे चल के ये एक्सीलरेशन इधर आगने लगा ए नॉट का, ये माइनस फाइव चेंज होता गया, जीरो हुआ, देन ये बढ़ते गया फाइव पे चला गया, ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे टी पे जीरो आ सकता है, ये तो बी और डी दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन एयर, द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉल्स वाइल इन एयर, ये तो जी होगा यार, इसमें क्या है, इज इक्वल टू जी, और कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। अ ब्लॉक मूविंग इन एयर ब्रेक्स इन टू पार्ट्स एंड पार्ट्स सेपरेट, टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्वड, करेक्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इस केसेस में, टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज, गलत, टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज, ठीक है, डी, ए एंड डी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, मैंने आपको बताया कांस्टेंट नहीं होती, कंजर्व होती है, द लीनियर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, यस करेक्ट, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट, द फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम, के इज नॉट कांस्टेंट, के इज कंजर्व्ड, या तो ये स्टेटमेंट आप बोलेंगे या के ई इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल बोलेंगे आप, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्यों, मैंने बताया ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर बाद में वो वापस चेंज हो जाती है इलास्टिक कोलिजन के केस में, ठीक है, ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन
मैं इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इन इलास्टिक कोलिजन कन्वर्ट्स बैक टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वापस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। अ बॉल हिट्स अ फ्लोर एंड रीबाउंड्स आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन। इन दिस केस मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज सेम एज मोमेंटम बॉल का नहीं किससे कोलाइड कर रहा है अर्थ से, तो मोमेंटम बॉल मैकेनिकल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्वड ना कि बॉल का। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम, अगेन रॉन्ग। टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्वड, राइट, सी वाला। द टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एंड अर्थ रिमेन्स द सेम। टोटल एनर्जी, अगर अर्थ में अगर आप ये भी ले लें, अर्थ एंड में सराउंडिंग इंक्लूड कर लें, तो ये स्टेटमेंट सही है, अन्यथा गलत है। क्योंकि आपको पता है इन इलास्टिक कोलिजन में सम पार्ट ऑफ एनर्जी लूज होती है, किसमें, आपका हीट या साउंड के फॉर्म में। तो अगर आप, वो हीट या साउंड कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, तो अगर सराउंडिंग को अर्थ का पार्ट ले लेते हैं तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, स्टार बना लीजिए इस पर। अगर ये इंक्लूड करेगा तब तो सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। ठीक है, इफ अर्थ इंक्लूड सराउंडिंग। ठीक है, अ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स अ फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी ऐसे है ये रेस्ट पे है, ये वी वेलोसिटी से आ रहा है। इट इज पॉसिबल दैट बोथ बॉडीज कम टू रेस्ट। क्या ये पॉसिबल है? गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोमेंटम आपको कंजर्व करना है, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम आपका एम वन वी है, तो फाइनल मोमेंटम भी एम वन वी ही होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। बोथ द बॉडीज मूव आफ्टर कोलिजन हो सकता है। द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड स्टेशनरी बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ये भी हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी ये वाला केस देख चुके हैं कि जब m1 m2 इक्वल होते हैं इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी मूविंग बॉडी चेंजेज इज वेलोसिटी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाए कि m1 इधर v से जा रहा था, m2 इधर रेस्ट पे था, आफ्टर कोलिजन ये हो जाए, M2 अभी भी रेस्ट पे रहे और M1 आपका कुछ इधर चला जाए, कुछ डायरेक्शन चेंज कर ले, क्या ये पॉसिबल है क्या? या फॉर दैट मैटर चलो पीछे ही आ जाए, किधर भी चला जाए। आप ध्यान से देखिए, आपको मोमेंटम कंजर्व करना है। ठीक है, सारे डायरेक्शन में ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि सपोज करिए जिस डायरेक्शन में भी इसका v1 आपने माना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लीजिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करिए। इनिशियल मोमेंटम तो कुछ आ रहा है क्योंकि v का कंपोनेंट आप इधर निकाल लेंगे, बट फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में जीरो होगा क्योंकि ना ये चल रहा है और ये तो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि m2 रेस्ट पे ही रहे और v1 डायरेक्शन चेंज कर ले, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फिर से सुनिए। सपोज करिए आपने v1 का कोई डायरेक्शन चेंज कर दिया ऐसे, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लीजिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, पर इनिशियल मोमेंटम होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फिर से ले लीजिए। तो अगर ये v है
तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको बोल लेते हैं हम लोग V फाइनल, इसको मैं बोल देता हूँ, तो V फाइनल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ये V था सो इधर कुछ कंपोनेंट आएगा V परपेंडिकुलर, ठीक है। या सपोज करिए इसको कुछ V1 प्राइम बोल, V प्राइम बोल दीजिए, V प्राइम आ जाएगा इधर इसका कंपोनेंट, ठीक। ये V है, ये डायरेक्शन है, तो इधर V प्राइम आ जाएगा। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर भी कुछ आ जाएगा V डबल प्राइम। तो आप कह रहे हैं कि MV प्राइम इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0 प्लस 0 हो गया, ये करेक्ट नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक। इन अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस इसमें क्या होता था, वी वन इज इक्वल टू यू टू और वी टू इज इक्वल टू यू वन, ठीक है। वेलोसिटीज इंटरचेंज होती थी, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, स्पीड, अगर वेलोसिटी इंटरचेंज होगी तो स्पीड तो इंटरचेंज होगी ही होगी। और अगर मासेज इक्वल हैं, तो अगर एम वी वन इक्वल टू यू टू है, तो एम वन वी वन इज इक्वल टू, मोमेंटम भी इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। मास में कन्वर्ट कर दीजिए आप, एम वी वन इज इक्वल टू एम यू टू हो जाएगा। द फास्टर बॉडी स्लोज डाउन एंड द स्लोअर बॉडी स्पीड्स अप, ऑब्वियसली क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है, तो सब करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मैंने सारे डिस्कस कर दिए आपसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मुझे ठीक लगेंगे, बाकी आप ऑब्वियसली कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन चाहते हैं, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।